माय नेम इज सी शांतनु भंडारी एंड जैसे कि आज आप देख सकते हैं वी हैव नाउ स्टार्टेड द सब्जेक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडीज। सो इससे पहले ग्रुप वन एंड ग्रुप थ्री हैज बीन द ह्यूज सक्सेस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब ग्रुप सेकेंड पे जो काम है वो सोना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्रुप टू की क्लासेज हैं अब वो अवेलेबल हैं, बिकॉज बहुत समय से मैं कह रहा था कि मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, पर कोर्स एथिक्स का, ड्राफ्टिंग का, एमसीएस का काफ़ी वाइडर था, वो सब होने के बाद वी आर हियर नाउ। और ग्रुप टू को अब हम एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज या तो ग्रुप टू की क्लासेस बहुत कम अवेलेबल हैं या यू नो उतना शायद क्वालिटी भी नहीं अवेलेबल है। सो वो सारी की सारी चीज़ें जो है और बेटर करके अब आपको दी जाएंगी, और हमेशा की तरह जैसा आप जानते हैं वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज आपको मिलेगा। दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इसमें मैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। फिलहाल तो मैंने मॉड्यूल यहाँ पे ओपन किया हुआ है, बट इफ आई कुड जस्ट कि हमने अपने नोट्स जो हैं जिसको हमेशा वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज दिया है, बिकॉज मेरे हिसाब से यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं अगर मैं उसको कवर करूँ सबसे पहले, उसके बाद किसी बुक को और देखूँ, वो बहुत ज़रूरी है। सो उसको इजी तरीके से समझाना, एग्जाम ओरिएंटेड तौर पर समझाना, वो सब है। सो दीज आर आर नोट्स जो हमने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और ये क्लासेस अवेलेबल हैं। फिलहाल जो मॉड्यूल ICSI की तरफ से इशू हुए हैं लेटेस्ट, उसके हिसाब से ये क्लासेस हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे आज कुछ जनरल में बात करूंगा। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है अगर उसी के बारे में मैं 2 मिनट आपसे बात करूँ कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सो इट्स इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। अभी होता क्या है कि देखिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट्स कंपनी के बीच में हो जाते हैं। सबसे पहला ही चैप्टर इसी के बारे में बात करता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी। इंसान की शायद आदत है कि वो खुश किसी सिचुएशन में नहीं रहता, उसका सक्सेस चल रही होगी तो उसको लगेगा और सक्सेस मिले तो ये सोच के दुखी होगा, अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो फिर तो वो दुखी शायद है ही है। तो इस बात से मेरा कहने का ये मतलब है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच की जो लड़ाई है वो कुछ ऐसी है जो शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और इसका कोई एक सोल्यूशन है भी नहीं। कहने के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि मेजॉरिटी ऑलवेज विंस, ऐसा ही होता है जनरली, पर हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे जैसे इस चैप्टर की डिटेल में जाएंगे, चैप्टर वन की, कि कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो केस लॉ के बेसिस पे वहाँ पे प्रूव करे गए हैं। सो वो मैं आपको ऑब्वियसली समझाऊंगा। साथ साथ USP बताना चाहूँगा क्लास की, वो ये कि जितने भी केस लॉज आएंगे इस पूरे बुक्स के दौरान, नोट्स के दौरान जो हम पढ़ेंगे, सो विद इन दैट तो आप वो केस लॉ देखेंगे देखेंगे उसको मैं समझाऊंगा ही, बट मैं इसको एक सेपरेट शीट में भी केस लॉ आपको अलग तरीके से दूंगा, एंड दैट विल बी हैविंग अ जिस्ट और वन लाइन और टू लाइन, कुछ जनरली सी बात उसके अंदर लिखी होगी जो एग्जामिनेशन के तौर पे जब आप रिवाइज कर रहे होंगे स्पेशली तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। बाकी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कंप्लायंस के बारे में बात करी गई है कि कंपनी को कंप्लायंस करना चाहिए, पर फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द डायरेक्टर्स और द की मैनेजर पर्सन इंक्लूडिंग द कंपनी सेक्रेटरी, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो नॉन कंप्लायंस के रास्ते पे चली जाती है। सिचुएशन में क्या रास्ता है, क्या जो कंपनी करेगी वो हमेशा गलत ही है, तो इसके तौर पर जब हम डिटेल में जाएंगे यहाँ पे वो सारी बात भी करी गई है। साथ साथ यहाँ पे सेबी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है इस पर्टिकुलर बुक के अंदर। सो सेबी के अलग अलग गाइडलाइंस जो है, इंक्लूडिंग जो एक्ट आपने सेबी का पढ़ा होगा उसके बारे में भी कुछ जनरल सी बात यहाँ पे करी जाएगी। उसके साथ साथ रेमेडीज हैं। देखिए एक बड़ी कॉमन सी बात होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ना, अगर गलती हो गई है तो व्हाट इज़ द वे आउट, अब कैसे इससे बाहर निकलें। कंपनी को लगता है कि शायद जो उस पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जो उस पर एलिगेशन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है, तो कंपनी कहाँ जा सकती है एज इन कंपनी इटसेल्फ, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो सेपरेट एंटिटी के तौर पर काम करती है, वो कहाँ जा सकती है, बाकी लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं उनको कंपनी के खिलाफ कोई दिक्कत है वो कहाँ पर जा सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंशन करी गई है। इसके साथ साथ आपको ये याद दिला दूं कि जो हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में जनरल सी बात करेंगे वो मैं अपने नोट से ही कराऊंगा, बिकॉज मॉड्यूल इनिशियली यहाँ पे रखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक कि आपको ये समझ में आ सके कि हम यहाँ पे लेटेस्ट जो मॉड्यूल ICSI ने इशू किए हैं उसके तौर पे बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट, सो इसके अंदर ऐसा कुछ अभी फिलहाल चेंजेस भी नहीं है, आप सामने मॉड्यूल्स देख ही रहे हैं।
अच्छा, ये मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि द टोटल ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दिस सब्जेक्ट इज मोर देन 100 आवर्स, 100 घंटे से ऊपर की क्लास की ये उम्मीद करी जा रही है यहाँ पे। एंड साइड बाय साइड वी हैव कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो कि कुछ ही समय के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके से ग्रुप वन एंड ग्रुप थ्री में इट्स ओनली एफसीए शांतनु भंडारी लीडिंग होल कैरिकुलम, वैसे ही ग्रुप टू में भी बहुत जल्दी ऐसा होगा फॉर विद योर सपोर्ट आई सपोज। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी सी। सो दिस इज दी पेपर नंबर 6, आप कह सकते हैं पेपर नंबर 3 मॉड्यूल 2 के बेसिस पे, और अगर टोटल 9 में से बात करें तो दिस इज द पेपर नंबर 6 शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी। अब देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही उठता है और मेरी क्लासेस का सबसे बड़ा यूएसपी यही है, जो बच्चे पहले क्लासेस ले चुके हैं या जो जानते हैं, कि मैं डायरेक्टली पढ़ाना नहीं स्टार्ट करता। मैं पहले जनरली बात करता हूँ कि जो चैप्टर है ये किस बारे में है और यहाँ पे क्या बात लिखी गई है। तो फॉर एग्जाम्पल, शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। नाउ डेमोक्रेसी, अब इंडिया में जैसे आप हैं, सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बात करता है। हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक का आई सपोज एक ही मतलब निकलता है कि हम फ्री हैं, जो चाहें वो हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो लीगल हो। इन द सेंस हम कोई रिलीजन फॉलो करें, कोई कल्चर फॉलो करें, जो लैंग्वेजेस है उसमें से जो आप करें, दैट इज एंटायरली अप टू अस, प्रोवाइडेड जैसे कि मैंने कहा वो चीज़ लीगल हो। अब यहाँ पे शेयर होल्डर्स को डेमोक्रेसी से इसलिए जोड़ा गया है कि बहुत बार हम कहते हैं कि शेयर होल्डर्स, और जो सही भी है, कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो इन दैट केस फॉर श्योर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है शेयर होल्डर्स का, कि वो ओनर्स हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है। पर दिक्कत ये आ जाती है कि शेयर होल्डर्स भले एक वर्ड है, बट इसके अंदर जब डिविजन्स आप देखते हैं तो कुछ लोग हो जाते हैं एक तरफ तो वो बन जाते हैं मेजोरिटी, तो कुछ अकेले रह जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज माइनॉरिटी। जनरली भी ऐसी बार अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती है, भले आप सही हैं गलत है, बट आप या आपके साथ एक दो लोग रह जाते हैं, बाकी सारे लोग जो हैं वो किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, और उसी से ही ये रूल निकलता है कि मेजोरिटी ऑलवेज विंस। तो हम ये इसमें समझेंगे विद द हेल्प ऑफ केस लॉज जो कोर्ट ने समय समय पर डिटरमाइन किए कि इसमें कोई दो राय नहीं है और कंपनी इसी बेसिस पे काम करेगी कि मेजोरिटी ही हमेशा जीतेगी। पर अगर कुछ ऐसा है जो अल्ट्रा वायरस है, ऐसा है कि माइनॉरिटी के ऊपर कोई फ्रॉड किया जा रहा है, सो इन दैट केस मेजोरिटी ऑलवेज विंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। सो शेयर होल्डर डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी इज द पावर जहाँ पे आप अपने तौर पे चीजों को जज कर सकते हैं, अपने तौर पे उस राइट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट से मतलब है हमारा वोटिंग राइट। अब दिक्कत एक ये भी होती है बहुत बार कि शेयर होल्डर हैं तो बहुत सारे और डिसीजन लेना चाहते हैं, पर दिक्कत ये आती है कि जो जनरल मीटिंग है उसमें उनको आना पड़ता है। अभी ठीक है कि ई वोटिंग वाले वगैरह की बात है, बट अगर शेयर होल्डर्स आना चाहते हैं और उस तौर पे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स उसी दिन उसी समय उसी लोकेशन पे शायद अपना सारा काम छोड़ के नहीं आ सकते, है ना। क्योंकि कंपनी जैसा आप जानते हैं कि एजीएम जो होती है, ईजीएम की बात नहीं कर रहा, एजीएम की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक लिमिट सेट है कि कहाँ हो सकती है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में या सेम सिटी, टाउन, विलेज, एक्सेट्रा। तो उस तौर पे हर शेयर होल्डर के लिए शायद पॉसिबल नहीं है कि वो वहां पे आए। तो सवाल ये उठता है कि फिर डेमोक्रेसी का फायदा ही क्या हुआ, हम तो एक्सरसाइज ही नहीं कर पा रहे अपना राइट। तो ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखेंगे ये सारी बातें। फिर सवाल आता है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट का। देखिए, जहाँ पे वो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं एक कहावत कि जहाँ पे प्यार है वहां पे लड़ाई होगी होगी, ये मान लीजिए या जो और कह दीजिए, बट डिस्प्यूट्स तो होने तय हैं। जब एक से ज्यादा लोग होंगे तो डिस्प्यूट होंगे ही होंगे, बिकॉज सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट परसेप्शन। और यहाँ सही और गलत की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी ना मेरी है लाइक इन जनरल, ना आपकी है, बट कंपनी हम सबकी है। ये ठीक है कि शायद आपने ज्यादा पैसे लगाए हैं, मैंने कम लगाए हैं, और वाइस वाइस वर्सा एज अ केस में भी, बट हम सभी उसका एक हिस्सा जो है वो अपने पास रखते हैं शेयर्स के तौर पर। सो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स अगर होंगे तो कैसे रिजॉल्व किए जाएंगे। बहुत बार हम एक वर्ड सुनते हैं कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट्स। तो ये क्या होते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इन जनरल अगर मैं कहूँ तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग जो हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हैं या जो सिक्योरिटी वो होल्ड करते हैं, तो
तो एक एक पर्टिकुलर तरीके के सेगमेंट के जो लोग हैं वो एक साथ आके मिल जाते हैं और कलेक्टिवली अपनी आवाज उठाते हैं। बिकॉज क्या है कि इंडिविजुअली अगर वो आएंगे तो शायद उन्हें कोई पूछेगा नहीं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा और फॉर श्योर उनका ग्रीवियांस जो है वो ग्रीवियांस ही रह जाएगा, कंप्लेन जो है वो कंप्लेन ही रह जाएगी। बहुत ज्यादा वो अगर कुछ कर सकते हैं तो शायद कंपनी का शेयर बेच सकते हैं अगर इंडिविजुअल तौर पर बात करी जाए, पर क्लास एक्शन हो जाने पे ये चीज काफी बड़ी हो जाती है। बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन है और उसको संभालना बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट गुडविल। एक दो लोग, 5 10 15 लोग, 1000 लोगों में कुछ कहते हैं सो इट इज ओके, बिकॉज यू कैन नॉट रियली सेटिस्फाई एवरीबडी। क्योंकि ऐसे तो हर शेयर होल्डर गुस्सा हो सकता है कि भाई मुझे डिविडेंड नहीं मिला या मेरी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे नहीं मिला। तो उन सब बातों में ना जाके आपने कह दिया कि जो डिस्प्यूट्स हैं उसको भी रिजॉल्व करने का तरीका है। क्लास सूट्स के बारे में मैंने बात करी, सवाल ये उठता है कि कौन लोग हैं जो क्लास एक्शन की तरफ जा सकते हैं, कहाँ पे जाना होगा हमें, कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो इस क्लास एक्शन सूट के थ्रू रेस किए जा सकते हैं, ये सारी की सारी बात जो है वो यहाँ पे करी गई है। इस दौरान काफी सारे केस लॉज भी हैं जो यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस चीज को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आपके फायदे के लिए जो केस लॉज है उनकी मैं एक अलग लिस्ट बना के आपको दूंगा, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन के तौर पर रिवाइज करें तो उस चीज को आप इंडेक्स कह दें या उस चीज को जो आप चाहें वो कह सकते हैं, वो आपकी जरूर हेल्प करेगी टू रिवाइज द केस लॉज एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जहां पे हमें चाहिए होते हैं शॉर्ट नोट, जहां पे हमें चाहिए होते हैं क्रिस्प नोट, वो एक तरीके से आपकी। तो चलिए अब चैप्टर वन की मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग करता हूँ और इसके बारे में काफी बात अब हमने कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर वन का इनसाइड आपको समझ में आ चुका है कि व्हाट इज ऑल अबाउट। बस याद ये दिला दूं कि दीज लेक्चर्स आर स्ट्रिक्टली अपडेटेड एज पर ICSI मॉड्यूल, और जो लेक्चर्स हैं जैसे कि आपने देखा अगर ये अभी स्टार्ट हो रहे हैं तो फॉर श्योर ये एकदम लेटेस्ट ही है। याद ये भी दिलाना चाहता हूँ कि ऑल दिस लेक्चर्स कम विद अ वेरी रीजनेबल प्राइस, बिकॉज अभी हमने ग्रुप 2 जो है वो लॉन्च ही किया है। एज आई सेड दिस इज नॉट द फर्स्ट ग्रुप बट दिस इज द लास्ट ग्रुप, बिकॉज 1 एंड 3 ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। सो ऑलरेडी इतना करने के बाद अब हम ग्रुप 2 में आए हैं ड्यू टू द डिमांड ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज फैकल्टीज कम है या नहीं है जो भी मैं कहूँ, क्योंकि आपको शायद लगेगा अगर मैं ऐसे कहूँगा कि फैकल्टीज नहीं है कि नहीं सर हम तो जानते हैं कोई फैकल्टी फलाना है होगा, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, और मैं ये आपको एश्योरेंस साथ साथ दे दूं कि उससे अच्छी आपको क्वालिटी मिलने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये आप बहुत बार पढ़ते भी हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय द शेयर होल्डर्स फॉर द शेयर होल्डर्स इन द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज टू विच शेयर होल्डर्स बिलोंग। आपके घर में मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स बाहर गए, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए एक एग्जाम्पल ले लो, तो या मान लीजिए आप PG में रहते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं, होता है ना बहुत बार हम पढ़ने के लिए बाहर आते हैं या फॉर एनी रीजन जो है हम घर पे नहीं रहते, बाहर रहते हैं बिकॉज शायद एजुकेशन है प्रायोरिटी, एक एक बड़ा प्रोमिनेंट रीजन। तो उसमें क्या है कि आप कितने बजे सोएंगे कितने बजे उठेंगे जनरली ये आप पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है कि हाँ अभी सो जाओ 12 बज गए 1 बज गया 11 बज गए या उठो जल्दी सुबह अब लेट हो रहा है जल्दी उठना है, क्या आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। यही यहाँ पे कहा गया डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी है इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो एक तरीके से रूल करेंगे, इलेक्शंस के तौर पे देखिए वही चुनते हैं कि कौन लीडर आएगा और वो किस तरीके से रूल करेगा, ये भी लोगों पे ही होता है। क्योंकि अगर वो जो लीडर है वो आया है गलत रूल कर रहा है सो जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो इस चीज के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही शेयर होल्डर्स के साथ भी है कि शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि जो भी वो डिसीजन लेना चाहेंगे, जो उनको लगता है कि बेटर है कंपनी के लिए, जो उनको लगता है कंपनी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आई सपोज इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो शेयर होल्डर्स की ग्रोथ तो होनी तय है ही है, बाकी लोग भी ग्रो करेंगे जिसको आप स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, बट शेयर होल्डर्स की ग्रोथ होनी फॉर श्योर तय है। तो उसी तौर पे ये बात भी यहाँ पे करी गई है कि डेमोक्रेसी का मतलब शेयर होल्डर्स का डिसीजन शेयर होल्डर्स के लिए और जो कंपनी है उसके बेनिफिट के लिए। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के तौर पे बात कुछ करी गई है। इट इज वाइडली एक्लेम फैक्ट दैट इन एनी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, जो बात हम पहले भी कर चुके हैं,
But in fact, they are seldom able to exercise any ownership right except to sometime cast vote at the AGM. The members therefore are only passive investors rather than active in the governance of the corporate process. मैं आपको बताऊं अगर कोई ऐसी रिपोर्ट निकले ना कि अगर होगी तो मुझे नहीं पता है बट अगर ऐसी कोई अगर रिपोर्ट निकले कि आउट ऑफ द कंपनीज टोटल कंपनीज दैट वी हैव इन इंडिया ऑब्वियसली द लिस्टेड कंपनीज दैट वी हैव इन इंडिया कितने पैसिव इन्वेस्टर हैं और कितने एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्यादा है वो पैसिव है बिकॉज आप मैं इन जनरल अगर कोई एक इंसान शेयर खरीदता है तो उसका ऑब्जेक्टिव कंपनी की फंक्शनैलिटी पे या सच आई डोंट रियली थिंक सो कि जब तक वो एक हार्ड कोर शेयर होल्डर ना हो मुझे ऐसा लगता है कि उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो डिविडेंड कमा सके दैट्स ऑल बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता अच्छा आप इस तरीके से समझिए बहुत बार हम टीवी पे ऐड देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है म्यूचुअल फंड सही है म्यूचुअल फंड में पैसे बढ़ते हैं समय लगता है वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें और हो सकता है आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया हो क्या आप ये जानते हैं कि जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया उसका नाम तो ऑब्वियसली पता होगा शायद आपको बट क्या आप ये जानते हैं कि उसका फंड मैनेजर कौन है क्या आप ये जानते हैं कि फंड का टोटल पोर्टफोलियो क्या है क्या आप ये जानते हैं कि जो फंड है वो कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर चुका है और आज कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है मे बी इन सारी बातों का जवाब शायद आपके हिसाब से हाँ हो बट बहुत सारे लोग या ऐसे कह दीजिए मेजोरिटी लोग ये बात नहीं जानते तो यही बात यहाँ पे भी करी गई है कि बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं हिंदी में कह दीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए या यू नो इन्वेस्टमेंट तो इंग्लिश ही हो गया रादर मैं ऐसे कहूँ कि अपने पैसे को सही तरीके से लगाने के लिए किसी जगह उसको ग्रो या बढ़ाने के लिए यही ऑब्जेक्टिव रहता है इसलिए कोई शेयर्स बहुत ही कम लोग खरीदते हैं कि भाई वो एजीएम में जाएंगे या इस प्रस्पेक्टिव से कि वो जब एजीएम में जाएंगे तो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स होने के नाते कंपनी सेक्रेटरी या सीएफओ से कोई क्वेश्चन पूछेंगे ये इंटेंशन उनकी शायद होती ही नहीं है बहुत कम होता है उसकी वजह से तो अभी एक और लाइन भी मुझे याद आई है बट इसके बाद कहूंगा देखें डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इन दैट कॉन्टेक्स्ट द शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ शेयरहोल्डर्स बाय द शेयरहोल्डर्स फॉर द शेयरहोल्डर्स इन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज टू विच शेयरहोल्डर बिलोंग प्रिसाइसली इट इज द राइट टू स्पीक कंसंट्रेट कम्युनिकेट विद कोर शेयरहोल्डर्स एंड टू लर्न अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंपनी देखिए ये हमें समझने की जरूरत है कि जब भी हम शेयर होल्डर्स के तौर पे कोई बात करते हैं वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम उन्हें मौका नहीं देंगे एक से दूसरे से कनेक्ट होने का उनकी बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी अब कंपनी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितना एनकरेज ये कराना चाहती है बिकॉज कंपनी बहुत बार खुद ही जाएगी कि शेयर होल्डर्स जो है आपस में एक दूसरे से ना मिलें बिकॉज उससे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और कल क्या पता कौन सी नई चीज़ कंपनी के सामने वो लोग मिलके कलेक्टिवली मिलके ले आए तो उस तौर पे यहाँ पे कह दिया कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो ज़्यादा एक दूसरे से मिले मीटिंग्स में आए एस्केप ना करें और अपना एक ग्रुप बनाए जिससे कि सभी लोग जान सकें कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन जैसे अभी हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं या अलग अलग मैसेजिंग ऐप पे ग्रुप बनाते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अपना आप जानते हैं कि मेरा खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है एंड उसमें आई थिंक हम 6 व्हाट्सएप ग्रुप अब बनाने की सोच रहे हैं बिकॉज ऑल 5 आर ऑलमोस्ट फुल नाउ सो वो क्यों है बिकॉज टू कम्युनिकेट टू बताने के लिए कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली सो उस तौर पे लेकिन दस द कंपनी एक्ट हैज ट्राइड टू डेमोक्रेट द एरिया ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज दैट ऑफ द शेयर होल्डर्स बेसिकली ऑल द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इज बाय द मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन दो ही तरीके की रेजोल्यूशन है सपोज हम सभी को पता है 51% से ज्यादा 75% से ज्यादा इट्स वन एंड द सेम थिंग वैसे कहने के लिए रेजोल्यूशन के तौर पे एक और चीज़ भी होती है जिसका नाम होता है यूनानिमस यूनानिमस मतलब 10 on 10 100 on 100 जितने लोग हैं वो सारे के सारे अग्री करें बट दैट इज प्रैक्टिकली रियली नॉट पॉसिबल कर लेते हैं तो अच्छा है प्राइवेट कंपनी में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बट पब्लिक में इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल कि यूनानिमस आपको कोई चीज़ मिल पाए कुछ यहाँ पे बिजनेस की लिस्ट दी हुई है जो शेयर होल्डर्स कर सकते हैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस की लिस्ट है दिस इज इंक्लूसिव इन नेचर तो यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है कुछ आइटम्स ही लिस्ट मैंने किए हैं बिकॉज हम सभी जानते हैं कि शेयर होल्डर्स कुछ चीज़ों को छोड़ के सभी कुछ कर सकते हैं बिकॉज दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी एनीवे सो उस तौर पे कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसमें बहुत सारी और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं बट जस्ट टू नेम अ फ्यू यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो अगर कंपनी का नाम बदलना है आप अब कंपनी सेक्रेटरी होने के लिए पूरे एलिजिबल हो गए हैं आखिरी एक फिनिशिंग टच चल रहा है अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं है
तो अगर हमें कंपनी का नाम बदलना है, सो व्हाट इज दी प्रोसीजर? आप जो भी फॉर्म्स वगैरह बताएंगे उस तौर पे शायद जरूर एक डॉक्यूमेंट का नाम लेंगे जहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन है एमओए में, एओए में, तो आप कहेंगे सर वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। फॉर श्योर एमओए हमें चेंज करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे कंपनी का नाम लिखा होता है। तो अगर हमें एमओए के अंदर ऑल्टरेशन करना है, चाहे कैपिटल से रिलेटेड है, चाहे फिर जो कंपनी काम करती है, ऑब्जेक्टिव्स है उससे रिलेटेड है, या फिर ऐसा है जो नाम से रिलेटेड है, तो इन सभी के लिए हमें जो अपने मेन डॉक्यूमेंट्स है विच इज द एमओए एंड द एओए, वी हैव टू ऑल्टर दैट, और डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे ऑल्टरेशन करना होगा। तो इसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, शेयर कैपिटल कंपनी की घटानी है, क्यों घटानी है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस, आप जानते हैं कि वैसे इट इज मच मच इजी टू शिफ्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी, बट एक से दूसरी सिटी में भी आप चेंज कर सकते हैं अगर स्टेट जो है वो सेम रहे तो इजी है। दिक्कत तब आती है ज्यादा जब एक से दूसरी स्टेट में आप जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो आरओसी है वो चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए काफी ज्यादा अप्रूवल्स वगैरह लगते हैं और हमें जस्टिफाई करना होता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्यों हम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट को छोड़ के दूसरी में हम क्यों जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए शेयर होल्डर्स यानी ओनर से ये पूछा जाता है कि क्या वो सेटिस्फाइड है, इफ दे से यस देन इट इज ओके। ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स का और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एक अपना सब्जेक्ट है जो अभी अभी हमने खत्म किया जिसका नाम है एथिक्स। तो उस तौर पे आई सपोज आपको पता होगा कि एथिक्स में हमने गवर्नेंस जो है वो काफी एक्सटेंसिवली कवर किया, 10 से ज्यादा चैप्टर्स गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं। वहां पर रिलेटेड पार्टी को लेके काफी बार बात करी गई है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आर नॉट प्रोहिबिटेड, मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि रिलेटेड पार्टी हो गया तो करने ही नहीं है वो ट्रांजेक्शन। इट इज अलाउड सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस जो वहां पे हमने बात करी थी, उसमें से एक ये है कि पूरा फ्री एंड फेयर डिस्क्लोजर्स हो कि किस तरीके से किसको कितना फायदा और कितना नुकसान, या ऐसे कह दीजिए क्या जो अल्टीमेट फायदा है वो कंपनी को मिलने वाला है और दूसरों को मिलने वाला है, और कैसे वो अलग है पहले की ट्रांजेक्शन से, इन सब चीजों के बारे में वहां पे बात करी जा सकती है। सपोज ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो आपको समझ में आ रहा होगा, फिलहाल मैं पढ़ा उसी तरीके से रहा हूँ कि आपको समझ में आए सारी की सारी बातें, तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर विल जस्ट रैप इट अप, बिकॉज नोट्स आप देख सकते हैं, नोट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, तो उस तौर पे ये सब चीजें हैं और ये बुक जो है वो आपको दी जाएंगी, विच एज आई ऑलवेज सेड हैज द वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन द कोर्स हैव डिटरमाइंड टू ब्रॉडर ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, डायरेक्टर्स की जो जनरल है ड्यूटी ऑफ अटरमोस्ट केयर एंड स्केल इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फिड्यूशरी, फिड्यूशरी मतलब ट्रस्टवर्दी ड्यूटी टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो उस तौर पे बात करी जा रही है, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि अटरमोस्ट केयर एंड स्केल यानी डायरेक्टर्स आर बीइंग पेड ऑफ बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनसे यही एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है कि वो कंपनी का फायदा करेंगे, कंपनी का अच्छा सोचेंगे, और साथ साथ ये कि जो कंपनी के लिए फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट वर्दी, तो जो कंपनी के लिए बेस्ट होगा वो ही डायरेक्टर्स करेंगे। इसके नीचे देखिए जो बात करी जाती है उसमें इन जनरल ये भी बोला जाता है कि बहुत बार क्या है कि शेयर होल्डर्स को पता ही नहीं होता है कि उनके पास पावर्स क्या क्या हैं, वो एक तरीके से जो हो रहा है वो देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, या ऐसे कह दीजिए बर्दाश्त करते रहते हैं, जबकि पावर्स हैं कंपनी एक्ट में, शेयर होल्डर्स को काफी एक्सटेंसिव पावर्स दी गई हैं, पर सवाल यही उठता है कि वो इग्नोरेंट हैं उस चीज को लेके, तो उन्हें पता ही नहीं है उनके पास क्या वेपन है, उसका यूज किस तरीके से करना है, और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें जो शेयर होल्डर्स खुद कंट्रोल कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। सो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्मीद करता हूँ इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको चीजें समझ में आई होंगी, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट वन का नाम देने वाला हूँ जिन बच्चों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, बिकॉज याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी हमने सिर्फ ये लॉन्च किया है, विद द लॉन्चिंग पहले से ही लोगों ने रजिस्टर करा लिया था ड्यू टू द रिस्पॉन्स दैट दे हैव सीन इन ग्रुप वन एंड ग्रुप थ्री, पर अभी जब ग्रुप टी टू के बारे में बात हो रही है तो कुछ और ये जो चीजें आपके सामने रख दी गई सारी की सारी, जिससे कि आप इसको सही से समझ सके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम टूडे। फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दी लेक्चर्स परचेज, एक नंबर नीचे दिया हुआ है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।